नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में दो लगातार हार के बाद आज बिहार की टीम ने नागालैंड के खिलाफ शानदार वापसी की। इस वीडियो में इसी मुकाबले के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बिहार में केकेसी का ट्रायल जल्द ही होने वाला है। इस शानदार टूर्नामेंट की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लेना। दोस्तों, आपको बता दूं कि टूर्नामेंट का जो ट्रायल है वो 20 दिसंबर को बिहार में होने वाला है। सुबह 10 बजे से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा गाइस, तो आप सारी डिटेल्स एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से चेकआउट कर लें। दोस्तों, बिहार की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दोनों ही मुकाबले गवा दिए थे, लेकिन आज नागालैंड के खिलाफ बिहार की टीम ने जिस शानदार तरीके से वापसी करी है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैच में नागालैंड ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बिहार के लिए विपिन सौरभ ने बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी करी और 79 रन ठोके। इसके अलावा बाबुल कुमार ने भी 34 रन जड़े, लेकिन दोस्तों मंगल मेहरूर ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। जी हाँ गाइज, उन्होंने 94 रनों की नॉट आउट विस्फोटक इनिंग्स खेली और निश्चित तौर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बिहार ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 280 रन बनाए। जवाब में श्रीकांत के 74 रनों की पारी के बावजूद नागालैंड की टीम महज 142 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। बिहार के लिए सरफराज अशरफ ने 3 विकेट चटकाए, आशुतोष अमन और शशि शेखर को 2-2 विकेट मिले। तो दोस्तों, बिहार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बेहद ही ज़्यादा काबिले तारीफ रही और इसी वजह से बिहार की टीम ने इस शानदार मुकाबले को 138 रनों के बड़े मार्जिन से जीत लिया। बिहार का अगला मैच कल होना है दोस्तों सिक्किम से, और ये मुकाबला सुबह के 9 बजे से खेला जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करेंगे कि वहाँ भी बिहार की टीम बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से बिहार ने वापसी करा है निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हद तक कॉन्फिडेंट में नजर आएंगे कल के मुकाबले में। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि कल के मुकाबले में बिहार की टीम जीत दर्ज करेगी या फिर सिक्किम की टीम उन्हें पटकनी दे देगी? कमेंट करके जरूर से बता देना। साथ ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।